हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो गाइस, नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से कई श्रेणी वैकेंसी आया है, तो इस वीडियो में सारी वैकेंसी की डिटेल्स बताऊंगा। तो वीडियो में तक बने रहे और चैनल में न्यू सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से जो पहला पोस्ट आया है सीनियर कंसल्टेंट का है, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए साइकियाट्रिक्स में नहीं तो MD में, साथ ही आपका एक्सपीरियंस चाहिए 3 ईयर्स का, साथ ही आपका डिसेबिलिटी देख सकते क्या क्या चाहिए, और आपका जो एज लिमिट है आपको 55 ईयर्स तक होगा एज ऑन 1 अप्रैल 2022। आपका जो सैलरी रहेगा 85,000 स्टार्टिंग, और आपका प्लस इंसेंटिव रहेगा। दूसरा जो है कंसल्टेंट, जिसमें पोस्ट है 2, आपका जो क्वालिफिकेशन चाहिए सेमी चाहिए, साइकोट्रिक क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं तो MD चाहिए, आपका डिजेबल देख सकते हैं। आपका जो एज लिमिट है आपको 55 ईयर्स तक, आपका जो सैलरी होगा 65,000 स्टार्टिंग होगा और प्लस इंसेंटिव होगा। और क्लिनिकल साइकोलॉजिक्स में आपका जो पोस्ट होगा 1 होगा, आपका जो क्वालिफिकेशन चाहिए फर्स्ट या सेकेंड क्लास MA नहीं तो MSc डिग्री इन साइकोलॉजी में चाहिए, आपको डिजेबल देख सकते हैं। आपका जो एज लिमिट है 43 ईयर्स तक है अप टू, आपका जो सैलरी होगा 30,000 स्टार्टिंग प्लस इंसेंटिव रहेगा। चौथा नंबर में साइकोट्रिक सोशल वर्कर, इसमें पोस्ट है 1, आपका जो क्वालिफिकेशन चाहिए फर्स्ट या सेकेंड क्लास MA नहीं तो MSW डिग्री इन मेडिकल साइकोट्रिक सोशल वर्कर में चाहिए, आपका डिजेबल देख सकते क्या क्या चाहिए। आपका जो एज लिमिट है अपटू 43 ईयर्स तक, आपका जो सैलरी होगा 30,000 स्टार्टिंग प्लस इंसेंटिव रहेगा। पाँचवा नंबर में साइकोट्रिक नर्स, जिसमें आपको पोस्ट 1, आपको क्वालिफिकेशन चाहिए MSc इन साइकोट्रिक नर्सिंग, और डिजेबल आप लोग देख सकते हैं। आपका जो एज लिमिट है अपटू 43 ईयर्स तक, आपका जो सैलरी होगा 30,000 पर मंथ प्लस इंसेंटिव होगा। छवा नंबर में काउंसिलर, जिसमें पोस्ट है 20, आपका क्वालिफिकेशन चाहिए मास्टर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं तो सोशल वर्कर चाहिए, और नहीं तो MA सोशियोलॉजी में नहीं तो साइकोलॉजी में चाहिए, तो आपका डिजर्वल देख सकते हैं क्या क्या चाहिए। आपका जो एज लिमिट अप टू 40 ईयर्स तक, आपका जो सैलरी होगा 25,000 पर मंथ प्लस इंसेंटिव रहेगा। आठवा नंबर में टेक्निकल कोऑर्डिनेटर नहीं तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, जिसमें पोस्ट है 1, आपका जो क्वालिफिकेशन चाहिए BE इंजीनियरिंग में चाहिए नहीं तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में चाहिए, साथ ही 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए नहीं तो MCA चाहिए, और डिजेबल आप लोग देख सकते हैं। आपका जो एज लिमिट आपको 42 ईयर्स तक होना चाहिए, और आपका जो सैलरी होगा 30,000 पर मंथ होगा। सभी पोस्ट के साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, जैसे MS ऑफिस इंटरनेट, तो आपका जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर तक है, आप लोग जाइए और अप्लाई कीजिए। आपका ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं nsm.assam.gov.in पर जाकर लोग आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं ऑफिशियल वेबसाइट लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।